एमसीसी ने 22 के लिए काउंसलिंग रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कट ऑफ कम जाने की संभावना है। ये 22 की कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, और ये कैसे कम जा सकती है, इसकी क्या संभावना है, क्यों कम जाएगी ये कट ऑफ और क्या चेंजेस हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, और वो खुशखबरी ये है कि एमसीसी ने अपने काउंसलिंग रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि 21 में ऑल इंडिया कोटा की काफी सीट्स वैकेंट रह गई थी, तो इस बार सीटें वैकेंट ना हो इसके लिए एमसीसी ने अपने रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। रूल्स में चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि जो कैंडिडेट ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके उसमें ज्वाइन कर लेता है तो वो तो स्टेट में तो एलिजिबल नहीं है, ये रूल तो पहले का है, लेकिन अभी जिस कैंडिडेट ने स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया, यानी कि किसी भी स्टेट के सेकंड राउंड में, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, किसी स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया तो वो फिर फर्दर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं है, चाहे वो ऑल इंडिया में हो या फिर स्टेट में हो। एक बार सेकंड राउंड में ज्वाइन करने के बाद में वो कहीं भी काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं है, सेकंड राउंड की सीट्स पर ही उसको एमबीबीएस करना होगा। पहले ये रूल सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए था। तो ये सीटें वैकेंट कैसे रह गई ये मैं आपको समझाता हूं यहां पर। तो ये रूल जो पहले ऑल इंडिया कोटा के लिए था, ये रूल ये था कि ऑल इंडिया कोटा में सेकंड राउंड तक जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया वो न तो ऑल इंडिया के आगे की राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए इलिजिबल है और न ही स्टेट की आगे की काउंसलिंग के लिए वो इलिजिबल है। लेकिन स्टेट के लिए ये रूल नहीं था। अगर किसी कैंडिडेट ने स्टेट में सेकंड राउंड तक ज्वाइन कर लिया तो वो फिर ऑल इंडिया के मोपअप में या स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता था 21 तक, और ऐसा ही स्टूडेंट ने 21 में किया था, जिससे उनके जो नीचे वाले मेरिट के कैंडिडेट्स थे उनको नुकसान हुआ और वो सीटें वैकेंट रह गई। अब कैसे हुआ था, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया वो तो कहीं इलिजिबल नहीं थे, लेकिन जिस कैंडिडेट ने स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया उस कैंडिडेट ने मोपअप में भी रजिस्ट्रेशन करवाया, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन था या नया रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मोपअप में उसने सीट फिल कर दी, उसको अच्छी सीट मिली तो उसको ज्वाइन कर लिया, उसको अच्छी सीट नहीं मिली तो उसको छोड़ दिया। छोड़ने से उसको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, 5,000 का ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए, तो उसको नुकसान तो कम हुआ है, पैसे का फाइनेंशियल नुकसान कम हुआ है। अगर उसको अच्छी सीट मिली तो ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया, स्टेट की सीट उसने छोड़ दी सेकंड राउंड के बाद, अदरवाइज उसने सेकंड राउंड की स्टेट की सीट रख ली। तो मतलब कहने का ये है कि एक ही स्टूडेंट ने दो जगह सीट ऑक्युपाई कर ली, ऑक्युपाई का मतलब दो जगह सीट ब्लॉक कर ली उसने। तो अभी एमसीसी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ये 12 जुलाई 22 का आज का ही नोटिफिकेशन है, एमसीसी ने पब्लिक नोटिस दे दिया है इसके बारे में कि अभी कैंडिडेट स्टेट में सेकंड राउंड तक जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है वो आगे ऑल इंडिया के काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकता मोपअप में और स्टे वैकेंसी में, और स्टेट में भी नहीं ले सकता। ये क्लियर कट पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है एमसीसी ने। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी सीट ब्लॉक का कोई चांसेस नहीं होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने स्टेट में सेकंड राउंड तक ज्वाइन कर लिया तो वो ऑल इंडिया के मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो सीट को ब्लॉक नहीं कर सकता है। और ऑल इंडिया का रूल पहले से था, जिसने सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया वो स्टेट में भी नहीं कर सकता और ऑल इंडिया के बाकी राउंड्स में भी, स्टे और मोपअप में भी वो नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है काउंसलिंग
एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग का। ये वैसे 21 में ही हो जाना था लेकिन 21 में ये नहीं हो पाया, उस पे ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, उसका डिसीजन आ गया, उसके अकॉर्डिंग एमसीसी ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। तो आइए दिखाता हूं वो मैं पब्लिक नोटिस जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि अभी कैंडिडेट्स स्टेट के सेकंड राउंड के बाद भी वो कहीं दूसरी काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो। तो इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और 22 में ये लागू हो जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको ये पब्लिक नोटिस। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये 12 जुलाई 22 का है, यानी कि आज ही का नोटिस है, और ये सभी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी और सभी कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिस है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का केस डिसीजन है 31 मार्च 22 को ये केस फाइल हुआ था उसका डिसीजन है, उसी के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है ये एमसीसी द्वारा। और इसमें ये बाकायदा लिखा है कि जो कैंडिडेट स्टेट के सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर रोल नंबर, उनका नेम वगैरह ये अपलोड किया जाएगा यूजी और पीजी दोनों की कंडीशन में। इसमें बाकायदे आगे भी लिखा हुआ है कि ये कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में या स्टेट के सेकंड राउंड तक ज्वाइन कर लेते हैं वो ये आगे नॉट इलिजिबल रहेंगे, यानी कि आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फर्दर राउंड ऑल इंडिया के लिए और स्टेट के लिए 2022-23 के लिए, यानी कि 22-23 का ये रूल आगे भी रहेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के सेकंड राउंड तक ज्वाइन कर लेते हैं और स्टेट के भी सेकंड राउंड तक ज्वाइन कर लेते हैं वो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या फिर वो स्टेट की काउंसलिंग हो। ये तो अच्छा, बहुत ही अच्छा डिसीजन है एमसीसी का। अब मैं आपको बताऊं कि इस पर कट ऑफ का क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पे कट ऑफ का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ काफी कम रहेगी। अगर मैं आपको 21 में लेके चलूं, अगर ये रूल 21 में होता तो 21 में इस कट ऑफ पर कम से कम 3 मार्क्स का डिफरेंस रहना था, यानी 3 से 5 मार्क्स का डिफरेंस तो जरूर रहना था। क्योंकि वो इसलिए रहना था कि 595 तो वैसे कट ऑफ रही थी, 595 से नीचे वाले कैंडिडेट्स ने प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया था, किसी ने एडमिशन ले लिया था, किसी को अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही, उसने सोचा मैं ड्रॉप ले लेता हूं। तो इस प्रकार से कम 3 मार्क्स का डिफरेंस तो ये जरूर रहता। 592 वाले कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीट जरूर मिल जाती ये रूल अगर 21 में होता तो। तो 21 में भी इतना ही इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम 3 मार्क्स का डिफरेंस तो जरूर रहेगा, क्योंकि इस स्टेज तक स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, या फिर तैयारी में लग जाते हैं, या फिर डिम्ड में एडमिशन ले लेते हैं। स्टूडेंट काफी कम बचते हैं, सीटें भी कम रहती हैं, तो स्टूडेंट भी काफी कम रहते हैं। तो इससे कम से कम 3 मार्क्स का अंतर तो रहेगा ही, ज्यादा अंतर भी रह सकता है लेकिन 3 मार्क्स का अंतर तो ये जरूर रहेगा। तो ये जानकारी थी एमसीसी के नए रूल्स के बारे में, और हम ये बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ये रूल इस प्रकार का हो, क्योंकि 21 में स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को सीट से वंचित रहना पड़ा था और काफी सीटें वैकेंट भी रह गई थी। तो मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।